हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। अब हमने एक रीजन करा कंसिडर, ये वाला जिसके अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है विच इंक्रीजिंग विद द टाइम, तो इसमें एक तरह से इनवर्ड वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए डॉट चाहिए। तो डॉट कैसे आता है, जब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है और ये इंड्यूस करंट आ गया। और अगर तुम इसको जबरदस्त वे में समझते हो तो ऐसे मान सकते हो कि ऐसे सेल तुम्हारे पास आ गए, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड लाइक दैट। बिकॉज जो करंट रहता है वो ऐसे ही फ्लो करता है इसमें, है ना। इस रिंग को तुमने ऐसे रिप्लेस कर दिया, फिर करंट की डायरेक्शन इधर से इधर है, करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे इस वजह से ये ऊपर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब सुनो करना क्या है, देखो बेटा हम बोलते हैं इफ बी वेक्टर चेंजेस विद टाइम, बी वेक्टर चेंजेस विद टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल ऑल्सो चेंजेस विद द टाइम, देन Then an EMF is induced. An EMF is induced in the coil. Coil में EMF induced हो गया। और तुम्हें पता है जो flux रहेगा कितना आएगा? Magnetic field into area. नो डाउट इसमें ये रेडियस आ रहा है और यही वाला एरिया लेंगे, ये वाला है ना जो कॉइल का एरिया होता है, एरिया एज जब तुम लूप का ईएमएफ लिखने वाले हो तो क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ बी ए मॉड के साथ, है ना, मॉड ले लो ए बी जो है तुम्हारे पास टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है, एरिया थोड़ी चेंज कर रहा है, एरिया थोड़ी चेंज कर रहा है, यही तुम्हारे पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया लूप वाला, डीबी बाई डी टी इंटू द एरिया, ये रिजल्ट आ गया। और अगर तुम मान लो, कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो आर है, तो इंड्यूस करंट जो है आई है उसका वैल्यू E of loop by R आएगा, इंड्यूस करंट का वैल्यू जो है एक तरह से dB by dt into area by R। और अगर n टर्न्स होती यहां पे तुम इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, एक टर्न के लिए इतना आएगा, n टर्न्स के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं इफ एन टर्न्स होती तो आई का वैल्यू एन टाइम्स कर देते सिंगल टर्न के कारण, तो यही आता है ना मल्टीप्लाई करने का आंसर। और बेटा जो डायरेक्शन होती है ऑफ इंड्यूस करंट की, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है इन टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वो बेटे इज गिवन बाय द लेंजेस लॉ। वो लेंजेस लॉ के साथ हमें बताया जाता है,
ठीक है। ये चीज आती है, इट इज गिवन बाय द लेंजेस लॉ। इस चीज को तुम लोग याद रखो जबरदस्त वे में, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बेटा क्लियर हो गया पॉइंट? उसके बाद आ गया चार्ज फ्लोन टू अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। चार्ज फ्लोन थ्रू अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, इसमें हम क्या बोलते हैं? इफ इन अ कॉइल फ्लक्स चेंजेस विद द टाइम, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, है ना? कि अगर किसी का फ्लक्स चेंज करता है टाइम के साथ तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, और वो जो ही रहता है वो तुम्हें पता है बच्चों डी फाई बाई डी टी होता है ऐसे। और अगर अगर कॉइल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास आर है तो बेटा इंड्यूस करंट कितना होगा? जबरदस्त पॉइंट तो ये है, इंड्यूस करंट होगा बेटे ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। और हमें यह भी पता है कि जो आई होता है वो क्या होता है? डीक्यू बाई डीटी होता है। उसको गेड कीजिए तो डीक्यू बाई डीटी इज नथिंग बट बाय आर बाय फाइव और डी फाइव बाई डीटी। ये देखो ये कट गया इधर ऐसे, तुम्हारे पास डीक्यू या डेल्टा क्यू लिख दो, डीक्यू लिख दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, इसके बराबर आ गया d5 by r, इंटीग्रेट कर दोगे ये नेट चार्ज आ जाएगा डेल्टा क्यू और ये नेट फ्लक्स आ जाएगा डेल्टा फाइव बाय आर। और डेल्टा क्यू के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? कूलम। फ्लक्स, फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं? वेबर। और ये आ गया वेबर। रेजिस्टेंस के यूनिट पर ओम, ये याद रखो जबरदस्त पॉइंट है ये, वन कूलम इज ऑल्सो इक्वल टू वन वेबर पर कूलम पर ओम। वन कूलम सॉरी वेबर पर ओम भी इसके यूनिट है कूलम के, इसको याद रखो जबरदस्त है ये पॉइंट। कभी बोल देंगे कूलम ओम किसके यूनिट है? वेबर के यूनिट है, इसको याद रखो ठीक है। और मेरे को तुम बताना बाद में CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होता है, बताना मेरे को बाद में ठीक है। ये तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो आगे आगे बेटा हमारे पास है पॉइंट की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें इंड्यूस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली तुम ये याद रखना कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, हमेशा याद रखना। बिकॉज जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के कारण आता है, क्योंकि
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने, वो कंजर्वेटिव है, पर ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन कंजर्वेटिव है और ये पाथ डिपेंडेंट है। अब हम लोग इसकी वैल्यूज को निकालते हैं। देखो मान लो बेटा, मान लो तुम्हारे पास एक जैसे ये कोई रीजन है, ये कोई रीजन है और इस रीजन में इनवर्ड फील्ड है और तूने इसके अंदर, इस रीजन के अंदर एक बेटा ऐसे कंसेंट्रिक एक कोई रिंग रख दिया आर, स्मॉल आर एक रिंग रख दिया, और क्योंकि सारे रीजन में तो इनवर्ड फील्ड है, इस सारे रीजन में तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज बेरिंग, मैं बेरिंग ले देता हूं, कोई भी वैल्यू आएगी, बेरिंग का मतलब आएगा डीबी बाई डीटी आएगा, बस ये बात याद रखो, कुछ भी आ सकता है। अब हम लोग इस पे ध्यान देंगे ज्यादा, इस पे तुम्हें इसके बारे में बहुत जबरदस्त वे पता है कि चार्जेस जो होते हैं वो मूव करते हैं, मूव करवाने के लिए तुम्हें कोई फोर्स चाहिए और चार्ज को मूव करवाने के लिए जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स आई कहां से, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, चार्जेस को मोशन में लेके आया, चार्जेस को मोशन में लेके आया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, चार्जेस को मोशन में, और चार्जेस को मोशन लाने के बाद क्या बना दिया इसने, इंड्यूस्ड करंट बना दिया। लॉजिक सुनो फिर से, हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंड्यूस्ड करंट क्यों आता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारे पास इंड्यूस्ड करंट क्यों आता है, पूछता है भारत, है ना, तो क्यों आता है, क्योंकि इंड्यूस करंट इसलिए आता है बिकॉज इंड्यूस करंट में चार्जेस को मूव करवाना है, चार्जेस को मूव करवाने के लिए फोर्स लगना है, फोर्स जो लगना चाहिए चार्ज के ऊपर वो हमेशा इलेक्ट्रिक होता है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स आने का कारण इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्जेस को मोशन में लेके आता है, जो कि चार्जेस को मोशन में लेके आता है, और चार्जेस जब मोशन में आ गए तो तुम्हारे पास क्या बन गया, इंड्यूस करंट आ गया। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, अब हुआ क्या, तुम्हारे पास जो ऑब्वियस ही बात है करंट इधर को ऐसे फ्लो कर रहा है, तो तुम्हारे पास इस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी और मतलब ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट एट द एवरी पॉइंट इन द टेंजेंशियल, एम राइट, तुम्हें पता ही है चार्ज को सर्कल में लेके आना है तो चार्ज का कंपोनेंट टेंजेंट टू द सरफेस चाहिए रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब तुम्हें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड देखना है या कौन सा रीजन देखना है, सिर्फ ये वाला रीजन, सिर्फ ये वाला रीजन देखना है जिसमें तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन आ रही है, सिर्फ ये वाला रीजन। ठीक है, सिर्फ ये वाला रीजन देखना है जिसमें तुम्हारे पास, और हर जगह पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, एंड इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सरफेस। नाउ लेट्स राइट समथिंग फॉर दिस कॉन्सेप्ट। देखिए, इफ बी वेक्टर वेरीज विद द टाइम, अच्छा इसमें ये भी शो रहा है कि अब मैं क्योंकि डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर चुका हूं तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्योंकि ये वाली आने वाली है, इस वजह से मेरे को अब यहां पे बोलना ही पड़ेगा, इफ बी वेक्टर इंक्रीजेस विद द टाइम देन एन एंटी क्लॉकवाइज, देन एन एंटी क्लॉकवाइज करंट इज इंड्यूस्ड, एन एंटी क्लॉकवाइज करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल, कॉइल में
और ईएमएफ इंड्यूस का जो वैल्यू रहता है वो तुम्हें पता ही है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस है, एरिया, और अभी करवाया था ये डीबी बाई डीटी होगा। और इंड्यूस करंट का वैल्यू कितना आ गया फिर, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, बोले तो पाई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर साथ में डीबी बाई डीटी। तो हम लोग इसमें ये समझते हैं हुआ क्यों ये चीज, बिकॉज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ बी वेक्टर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड इन द रीजन एंड बाय symmetry the electric lines of force will be in the form of concentric circles with center at axis of magnetic field, center at the axis of magnetic field. अब मेरा पॉइंट सुनते जाना, देखो तुम ये देख पा रहे हो कि इंड्यूस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तरह से आर स्क्वायर है, ठीक है, लॉजिक सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर जीरो होगा तो सेंटर पे कोई भी इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, पर तुम जैसे जैसे अब ये तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं। तुम्हें पता है बेटा, मैं चलो इसको पहले थोड़ा और लिख दूं फिर तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये तुम्हें पता है बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या ईएमएफ जो होता है वो क्लोज्ड यहां पे आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और यहां पे क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और 2πr साथ में, ये देख सकते हो ये r रेडियस है और टोटल लेंथ नहीं आएगी 2πr। यहां से बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2πr, क्योंकि अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड होता बेटा तो ये जीरो होता, पर ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है इस वजह से ये जीरो के बराबर नहीं है, और ये किसके बराबर आ गया बेटे, पाई आर स्क्वायर डीवी बाई डीटी। आर लिखने का नहीं है बिकॉज इंड्यूस करंट नहीं लिख रहे, तो पाई और पाई कट गया बेटा, एक आर के साथ ये कट गया, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास आ गया बच्चे, क्या आ गया, हाँ डीबी बाय डीटी इनटू आर बाय टू, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो तुम ये देख पा रहे हो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है बच्चे कि तुम्हारे पास ये रीजन है, ठीक है, और उसके बाद ये तुम्हारे पास कोई सर्कल आ गया, ठीक है, मेरा पॉइंट सुनना, मेरा लॉजिक तुम समझने की कोशिश करो कि या डिस्टेंस आर वन है
और ये सारे का सारा रीजन है जिसमें इनवर्ड फील्ड है, ये बात याद रखो, ये सारे रीजन में इनवर्ड फील्ड है, मतलब ऐसे करके बाहर तक भी है ना फील्ड, क्या दिक्कत है, सर्कल इसके इनसाइड है, ठीक है। अब लॉजिक सुनो, यहां पे जब तुम इलेक्ट्रिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे E1 आएगा, और जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे E2 आएगा, तो E1 विल बी स्मॉलर देन E2 बिकॉज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहां कह सकते हो, यहां पे तुम ये भी कह सकते हो, यहां पे तुम ये भी कह सकते हो, ये वाली चीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर एट द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कम्स क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम क्लोजर एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। हम जैसे जैसे सेंटर से अवे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो इट कम्स क्लोजर, ये क्लोजर 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 आते हैं। ओके बच्चों, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा, क्लियर हो गया सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत फंडामेंटल्स हैं। बोर्ड का काम तो एक चलो है ही है हमारे पास, लेकिन ये नो डाउट वी आर गोइंग विद द कंपटीशन सिनेरियो आल्सो, उसमें भी बहुत जरूरी है ये। अब सुनो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सिलेंड्रिकल रीजन है ना, आउटसाइड आउटसाइड अ सिलेंड्रिकल रीजन। अब देखो करना कैसे, बहुत सिंपल है, देखो कैसे। अब तुमने क्या किया, तुम्हारे पास ये सिलेंड्रिकल रीजन था ऐसे करके बेसिकली, और इस सिलेंड्रिकल रीजन में, इस सिलेंड्रिकल रीजन में तुमने क्या किया, तुम्हारे पास करंट के बारे में तुम्हें बात बोली जा रही थी, ठीक है, करंट के बारे में बात। अब तुमने क्या किया, अब इसके अंदर तुमने ऑलरेडी इसको करंट दिया हुआ है जिसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, ठीक है। अब तुम जब यहां से देखोगे इसको तो तुम्हें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक सर्कल जो सिलेंडर का सर्कल है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला, और इसके अंदर तुम्हें पता ही है ये सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये तुम्हारे पास इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर को पॉइंट कर रहा है, जब तुम यहां से देखोगे तो तुम्हें ये इनवर्ड फील्ड दिखेगा हर जगह पे, ये इनवर्ड फील्ड दिखेगा, ठीक है, ओके। और अब तुमने क्या किया, एक पॉइंट बाहर मान लिया, पी पॉइंट, सेंटर से आर दूरी पे, और आर नॉट मान लो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, आर नॉट मान लो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, और ये आर आ गया स्मॉल आर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का दूरी है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का दूरी है। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है ज्यादा, लॉजिक फिर से वही लगेगा,
इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, वो तो इसी रीजन में आएगा जिसमें ये जा रहा है, पाई आर नॉट स्क्वायर इनटू डीबी बाय डीटी। अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड तुम्हारे पास ईएमएफ है, इसकी वैल्यू तुम कैसे लिखने वाले हो? यहां पे मान लो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ईआई डॉट डीएल। अब ये डीएल का वैल्यू